सो गाइस, आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे, जिनका चैनल एल्गोरिथम में अभी तक फिट नहीं हो पाया है, यानी कि एल्गोरिथम में चैनल नहीं आ पाया है। चैनल एल्गोरिथम में नहीं आएगा तो आपका चैनल ग्रो नहीं होने वाला। गाइस, एल्गोरिथम में लाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। नहीं तो आपके इंप्रेशन नहीं बढ़ेंगे, आपका सीटीआर नहीं बढ़ेगा, आपका थंबनेल बढ़िया बन रहा है तब भी आपके वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे। अरे भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। मुद्दे की बात यह है, व्यूज तो लाने ही पड़ेंगे कैसे भी ना कैसे करके। वो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो बढ़िया मेथड जो पर्सनली मैंने खुद फॉलो किया था ऐसे टाइम पर जिस टाइम पर मेरा चैनल आपकी तरह नहीं चल रहा था, बट मेरा चैनल चला क्योंकि मैंने इसको डीपली फोकस किया, वही आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अभी यहाँ पर साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू होने वाली है और आप लोगों को सब चीजें डिटो यहाँ पर रिवील करने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। जी, यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है, रिटर्निंग व्यूअर्स वाला आप लोगों को एक ग्राफ दिख रहा है, इसको भी समझाऊंगा। उसके बाद वो पर्सनल सेटिंग जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो उस पर आपने अगर फोकस करना स्टार्ट कर दिया ना, और उस चीज़ को मैंने 2-3 वीडियो में अपने रिवील किया है, छोटे छोटे यूट्यूबर जिन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया वो आज अपने चैनल पर बढ़िया सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, बढ़िया तरीके से अपने चैनल पर व्यूज ला रहे हैं। गाइस, हकीकत है ये बात, क्योंकि वो तरीका काम करता है। रिटर्निंग व्यूअर्स वाला आप लोग ग्राफ देख सकते हो, यहाँ पर मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं, उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोगों को मैं रिटर्न भी करवा रहा हूँ, तो मेरे चैनल पर बढ़िया अच्छे खासे व्यूज और अच्छा खासा यहाँ पर क्या ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन हमें कुछ और देखना है, वो क्या देखना है वो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, वीडियो को आप सब लोग लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अभी का चैनल, कब का वेट कर रहे हो, फटाफट से सब्सक्राइब वाला बटन सभी लोग दबा दीजिए। चलेगा, आज के इस मज़ेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वो चीज़ है, उसके लिए आपको आ जाना है नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ मिलती है, चैनल योर ऑडियंस वॉचेस। अब आप लोगों को ये आज नहीं तो कल देखना पड़ेगा, क्योंकि गाइज मैं आप लोगों को एक हकीकत बता रहा हूँ, ये हकीकत आप डेफिनेटली तरीके से इससे रिलेट कर पाओगे। चलिए, यहाँ पर एक और सेक्शन देखने को मिलता है, कंटेंट या ऑडियंस वॉचेस। आप क्या है, अपने हिसाब से कंटेंट बना रहे हो। सुनो, ध्यान से सुनना, जितने भी न्यू यूट्यूबर हो, जिनके व्यूज नहीं आ रहे, सुनो इस बात को। आप क्या है, अपने हिसाब से कंटेंट बना रहे हो। आप क्या है, कुछ भी टॉपिक बना दे रहे हो। अरे भाई, आपकी कैटेगरी है टेक, तो आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक तो होगा नहीं, आपको वही टॉपिक्स बनाने पड़ेंगे। सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, चैनल ग्रो कैसे करें, या फिर टेक के जितने भी कंटेंट होते हैं वही बना पाओगे। लेकिन आप वो कंटेंट बना ही नहीं रहे जो ऑडियंस चाह रही है। हकीकत है ये बात, इस बात को डीपली समझना, क्या कह रहा हूँ वो अगर समझ गए तो अपना चैनल कल से ही ग्रो कर लोगे। मैं बहुत डीपली बात कर रहा हूँ, सुनो। जैसे कि यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कंटेंट या ऑडियंस वॉचेस, यानी कि मेरी ऑडियंस जो कंटेंट देखती है वो टेक रिलेटेड में यही टॉपिक्स को देखती है, तो वो टॉपिक्स मैं बनाऊंगा तो मुझको बेनिफिट देगा। ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स आ रहे हैं जो मेरी ऑडियंस देखती है, जो मैं बनाता हूँ तो मुझको बेनिफिट देके जाते हैं। वीडियोज़ वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स के चैनल को मेरी ऑडियंस देख रही है, शॉर्ट्स देखें, लाइव देखें, तो ये है। चलो, मैं बताना क्या चाहता था वो मैं आप लोगों को एक पॉइंट में समझा चुका हूँ। जिन जिन लोगों ने समझ लिया वो समझ गए, ठीक, जिनने नहीं समझा तो वो अब समझ लो। चैनल से और ऑडियंस वॉचेस पर क्लिक किया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे कैटेगरी के जितने भी यूट्यूबर्स की वीडियोस मेरी ऑडियंस देखती है वो चैनल से यहाँ पर आ गए। आपको करना क्या है भाई, ये वही कंटेंट बना रहे हैं जो एक्चुअल में आपका चलेगा, ठीक है। आप इन्हीं की तरह कंटेंट बनाओगे तो आपका चलेगा, आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक बनाओगे तो नहीं चलने वाला भाई, आपकी ऑडियंस देखेगी नहीं वो, क्योंकि आपके पास ऑडियंस नहीं है। ऐसा कंटेंट बनाओ ना, कैसे मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल, मैं मनोज दे के चैनल पर आया, मैं चैनल मैंने इनका ओपन कर लिया, इनकी वीडियोज़ वाले सेक्शन पे आया, तो वीडियोज़ वाले सेक्शन पे आपको क्या करना है, आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आपको अपने चैनल को एल्गोरिथम में फिट करवाना है, तो आपको ऐसे टॉपिक्स को फाइंड करना होगा जिन पर आपके व्यूज़ आपको लगता है आएंगे। वो कैसे फाइंड आउट होगा, वो ऐसे होगा कि आपको यहाँ पर काफ़ी सारे आपके कैटेगरी के चैनल्स देख जाएंगे, तो उनके चैनल्स पर आपको क्लिक करना होगा। उनके चैनल्स पर जाने के बाद वीडियोज़ वाले सेक्शन पर आ जाओ, ये तरीके को फॉलो करना। मैंने जिस दिन से ये तरीका फॉलो किया है मेरे व्यूज आ रहे हैं, मेरा टॉपिक मेरे को मिल गया मेरे चैनल का, कि कौन कौन से टॉपिक्स मेरे चैनल पर चलेंगे, मैं वह बनाता हूँ, मेरे को फायदा मिलता है। डेफिनेटली तरीके से आपको भी फायदा मिलेगा, आपकी भी वही वाली वीडियोज एल्गोरिथम में तुरंत फिट होंगी, आपके इंप्रेशन, सीटीआर, सब चीज बढ़ेगा मेरे भाई। भरोसा रखो अपने अभी भाई पर, मैंने इस तरीके को फॉलो करके अपने चैनल को चलाया है। सुनो, तो यहाँ पर आपको ऐसी वीडियोस को फाइंड आउट करना है जिसकी उसके नॉर्मल वीडियो पे व्यूज हैं उससे ज्यादा किसी वीडियो पे व्यूज आए हैं। फॉर एग्जांपल, अब जैसे ही मैं नीचे को स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर इस बंदे की एक वीडियो है, 10 दिन पहले डाली है, 57 के गई है, वो टॉपिक है हाउ टू वायरल शॉर्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, और इस बंदे का अभी भी ये टॉपिक चल रहा होगा, इसको आपको चेक करना है। देखो, चेक करने के लिए आप न्यूएस्ट वाले सेक्शन पर देख सकते हो, तो अभी भी आप लोग देख सकते हो 29 मिनट पहले, 36 मिनट पहले, 49 मिनट पहले इसके इंप्रेशन इस बंदे के इस वीडियो पे आ रहे हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को अगर आप बनाओगे जिस पर उसके ज्यादा व्यूज आए हैं, ठीक है, नॉर्मल वीडियोस के मुकाबले, तो आपके व्यूज आएंगे।
अब उसका टाइटल वगैरह डिस्क्रिप्शन टैग्स वगैरह कॉपी कर सकते हो। तो उससे अगर ज़्यादा लेंथ की वीडियो आप बनाते हो, थंबनेल अच्छा बनाते हो, सीटीआर अच्छा ले आते हो, तो उसके सजेशन में आपकी वीडियोस आ जाएगी। सजेशन की ट्रिक यही होती है, सजेशन ऐसे ही काम करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, इनके कॉन्टेंट लो यार, ये जो बना रहे हैं आप स्टार्टिंग में इनका कॉन्टेंट लो। फिर जब आपके पास ऑडियंस हो जाएगी ना, फिर आप कुछ भी टॉपिक बनाओगे, अपनी पर्सनल लाइफ भी दिखाने लगोगे ना अपने टेक चैनल पर, वो भी चलेगा। चलता है मेरे भाई, ऑडियंस होगी तब आपके पास। अभी आपके पास ऑडियंस नहीं है, आपको ऑडियंस लाने हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को पकड़ो यहां से जो ये यूट्यूबर्स ज्यादा ज्यादा कवर कर रहे हैं, वो टॉपिक्स बनाओगे, डेफिनेटली फायदा आपको देके जाएगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोग बहुत कुछ समझोगे, बहुत कुछ आप लोगों को मैंने दिखाया समझाया, उम्मीद है आप लोग समझोगे और इस तरीके को फॉलो करके अपने डेफिनेटली व्यूज लाने वाले हो, जो आपके अभी व्यूज नहीं आ रहे हैं उनको बढ़ाओगे। यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताएगा। मिलता हूं ऐसे किसी अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।